नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट के तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका आप बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी जाकर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी जाकर आप हमें अपने सवाल सीधे भेज सकते हैं, वहां से भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कोई सवाल अगर रह जाता है तो अगले दिन इसी वक्त पर सोमवार से शुक्रवार 4:30 से 5 बजे के बीच आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर कोई आपको जो भी सवाल भेजना है तो अपने नाम, शहर का नाम जरूर भेजें और सवाल पूरी तरह से लिखकर भेजें, ताकि हम आपके सही सवाल को अपने गेस्ट के साथ साझा कर पाएं। आज जो आपके जो हमारे साथ मेहमान है, जो आपके सवालों के जवाब देंगे, हमारे साथ रवि देवरा है कुबरजी ग्रुप से, साथ ही सचिन गुप्ता होंगे चॉइस ब्रोकिंग के, और साथ ही जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा साहब हमारे साथ होंगे और सुनील कटके साहब होंगे कोटक सिक्योरिटीज से। आप चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बाजार का अपडेट एक बार दे दूं, क्योंकि रूस और यूक्रेन में जिस तरह से संकट बढ़ गया है, बाजार में पूरी तरह से अब एक्शन काफी बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ जहां बुलियन और एनर्जी मार्केट में तेजी है, और ऐसे में कुछ काउंटर्स में जबरदस्त गिरावट भी दिख रही है। बुलियन मार्केट की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर लगातार मजबूती दिखा रहा है। 2,000 रुपए से ज्यादा की तेजी अब M6 गोल्ड में आ चुकी है। चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी है। 2 साल की ऊंचाई पर स्पॉट में गोल्ड के भाव पहुंच चुके हैं। चलिए रवि जी, गोल्ड और सिल्वर में जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स आपको लग रहा है कि आने वाले समय में दिख सकते हैं? जरूर से, अभी प्राइसेस में देखे तो जब कोई भी हम काफी लेसन्स देते हैं ऑलवेज कि कोई सेफ हेवन की क्लास है, तब आपको गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बाय करना चाहिए। कभी भी वॉर की सिचुएशन है, आपको गोल्ड सिल्वर बाय करना चाहिए। एक्चुअली ये टाइम है, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, एज वेल एज देखे तो एनर्जी प्राइसेस देखे, एंड आगे जाके अगर कुछ सैंक्शन एनर्जी पे लगे तो ये एनर्जी क्राइसिस में परिवर्तित हो गए, तो उसका भी एक फायदा है आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर के हिसाब से बुलियन में देखने को मिलेगा। हालांकि इतने बड़े उछाल के बाद अभी थोड़ा विजिलेंट रहना एक एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि कुछ भी कमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी तो उसका एक इम्पैक्ट है वो आपको प्राइस पे आता हुआ दिखेगा। तो मेरी ये एडवाइस है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच का माहौल रखे। बट यस, प्राइस वाइज देखें तो इंटरनेशनल प्राइसेस में मुझे लग रहा है कि $2,000 तक गोल्ड एंड सिल्वर भी अराउंड 26-20 तक जा सकता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करें डोमेस्टिक प्राइसेस में तो मेरा टारगेट 53,500 गोल्ड का एंड सिल्वर 70,000 के लेवल इजिली टच कर सकता है। बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी अभी भी बनाए रखे। बट यस, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें या बुलडेक्स के साथ ट्रेड करें, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहे। बट मुझे लग रहा है जो परिस्थितियां बन रही है, जो यूक्रेन एंड रशिया के बिटवीन काफी हमने पहले भी डिस्कशंस की है, तो उसमें ज्यादा ना जाते हुए मुझे लग रहा है कि जब तक ये रिजोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक वॉर एंड नहीं होगा, तब तक इतना ज्यादा करेक्टिव मूड है आपको बुलियन में देखने को ना मिले। तो ये भी हुआ। सचिन, आपको क्या लगता है टेक्निकली किस तरह के लेवल आपको चार्ट पर दिख रहे हैं, और लग रहा है कि ये ट्रेडिंग के लिए सही लेवल है या अभी दूर रहने की आप सलाह देंगे? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, ऑलमोस्ट अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही जो है डेली और वीकली चार्ट्स पर एक अच्छे खासे ब्रेकआउट्स हमने देखे हैं। वहीं अगर कॉमेक्स में भी देखा जाए ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी है। वहीं गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट्स में अगर हम बात करें तो 4.5% से 5% की तेजी के साथ में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट हम लोगों ने यहाँ पर देख चुके हैं, बट अगर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमें लगता है कि एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी वॉलेटिलिटी काफी हाई है, तो स्टॉप लॉस के साथ में ही यहाँ पर ट्रेड करना बेटर रहेगा। हमें लगता है गोल्ड के अंदर अगर कोई भी डिप मिलता है 52,300-52,400 तक के लिए, तो वहां से एक बार बाय की रणनीति अपना सकते हैं। 52,100 का एक स्टॉप लॉस लेना रहेगा। हायर साइड में हमें लगता है कि आज इंट्राडे में एक बार 52,800 और 52,900 तक के भी लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एनर्जी मार्केट की, जहां पर भी जबरदस्त एक्शन है। अगर क्रूड की बात करें तो 8-10% की तेजी दिख रही है, और इतनी तेजी नेचुरल गैस में दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में तो तेजी और भी ज्यादा नेचुरल गैस में दिख रहा है। यूरोप में तो गैस के दाम 30% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। रवि जी, क्या लग रहा है एनर्जी मार्केट में क्या हो रहा है और किस तरह के लेवल आने वाले समय में दिख सकते हैं? जी जरूर से, अभी आज का इवनिंग का सेशन काफी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें नेचुरल गैस एंड क्रूड दोनों के इन्वेंट्रीज के नंबर है, तो आई थिंक इसके भी हम रिएक्शन देखेंगे। बट उसके ज्यादा
बेटर मार्केट का फोकस ये रहेगा कि जो भी यूएस एंड अलाइड नेशन से जो यू एंड नाटो है वो उस पे एनर्जी के ऊपर कोई सैंक्शन लगाता है कि नहीं। अगर ये एनर्जी सैंक्शन लगे रशिया पे तो आई थिंक के प्राइसेस अभी और यहाँ से काफी अच्छे चल सकते हैं, यहाँ से भी और काफी वैक्यूम बना हुआ है क्योंकि काफी टाइम के कंसोलिडेशन बाद का ब्रेकआउट है। हालांकि ऑलरेडी प्राइसेस जब इतने 9-10% ऊपर चल रहे हैं तो आई थिंक वहां पे एक बार रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडिंग के लिए बेटर नहीं रहता। हाँ जरूर से जैसे 99-98 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा था आज 100 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन हुआ है कॉमेक्स में, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये प्राइसेस है WTI हो या ब्रेंट हो दोनों आगे बढ़ने चाहे। मेरा ये मानना है कि WTI 110 तक एंड ब्रेंट 112-80 तक के लेवल्स जो नियर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वहां तक एक बार टेस्ट कर सकता है। अगर डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस की बात करें तो कोई भी गिरावट आया आपको क्रूड में 7400-7450 ये एक बाइंग का एंट्री जोन हो सकता है। आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बड़ा 7300 का स्टॉप लॉस लगा के चले, मुझे लग रहा है प्राइसेस 7900 से 8000 तक जाने चाहे क्रूड में। नेचुरल गैस में भी अगर ये एनर्जी के रिलेटेड कुछ सैंक्शन आते हैं, पाइपलाइन के रिलेटेड ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में भी तेजी आगे बढ़ सकती है। नेचुरल गैस में 368-369 के करीब एंट्री ले, 365 का स्टॉप लॉस लगाए और 390 तक के लेवल से आपको नेचुरल गैस भी दिखा सकता है। मेरे हिसाब से अगर कुछ एनर्जी सैंक्शन की बात होती है तो नेचुरल गैस में भी और वैक्यूम है, वहां पे ये तेजी और बढ़ सकती है। यानी अगर सैंक्शन की बात अगर होती है, अगर रूस से एक्सपोर्ट पर अगर असर होगा तो डेफिनेटली इसका बड़ा असर होगा। और कई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी आनी शुरू हो गई है कि अगर रूस की तरफ से अगर एक्सपोर्ट बैन होता है तेल गैस सेक्टर को लेकर, तो डेफिनेटली 30-40% की तेजी यहां से और आ सकती है। हमारे साथ सुनील खटके साहब भी है कोटक सिक्योरिटी से। सुनील सर, आपको क्या लग रहा है कितनी तेजी की उम्मीद एनर्जी मार्केट में आप यहां से कर रहे हैं क्रूड को लेकर और नेचुरल गैस को लेकर? जी नमस्कार अमृत विश्वन मोहन जी, मुझे लगता है देखिए रशिया एक बड़ा प्लेयर है ग्लोबल लेवल पे एनर्जी मार्केट में। अगर हम देखते हैं तो आइडियली ग्लोबल क्रूड ऑयल जो सप्लाई आता है उसमें रशिया तकरीबन 10% कंट्रीब्यूट करता है, और एनर्जी साइड में जो गैस साइड का जो सप्लाई है वो यूरोप का 1/3 कंट्रीब्यूशन जो है रशिया से ही आता है। अभी ये वॉर लाइक सिचुएशन जो हो गई है, इनफैक्ट एक फुल फ्लेश्ड वार का रूप जो है ले चुका है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मार्केट पे हावी रहेगा इन्फॉर्मेशन। और 10% का ऑलरेडी हम इंक्रीमेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देख चुके हैं, नेचुरल गैस के भी प्राइसेस ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में 9% हाई पे हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएस और यूरो जोन का सैंक्शन एनर्जी सेक्शन में भी आएगा। हालांकि फंडामेंटली देखेंगे तो यूरो जोन और यूएस नहीं चाहेगा कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस या गैस प्राइसेस जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर जाएं, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन भी कर्व करना है। कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि ये वॉर लाइक सिचुएशन न बने और क्रूड ऑयल या एनर्जी या गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा हद के बियॉन्ड ना जाएं। बट सिचुएशन जो अभी उभर के आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूरोप और यूएस की तरफ से एनर्जी फ्रंट पे भी सैंक्शंस लग सकते हैं। अगर ये सैंक्शंस लगते हैं तो जैसे आपने बताया, मुझे लगता है कि 10-20% का और उछाल यहाँ से देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस अभी 7560 के रेंज में है, ये तकरीबन 8000 का लेवल छू सकता है इंडियन मार्केट में। नेचुरल गैस के प्राइसेस मुझे लगता है 420 तक के लेवल डोमेस्टिक मार्केट में छू सकते हैं। तो अभी भी कॉशियसली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए मुझे लगता है कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के प्राइसेस में बाइंग करके चला जा सकता है। ओके, तो आपको अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और लग रहा है जिस तरह से टेंशन लगातार बना हुआ है, और भी चीज़ें साफ होंगी, लेकिन अभी भी आपको अगर ट्रेड करना ही है तो यहाँ से खरीद कर जा सकते हैं। लेकिन कुछ एग्री काउंटर्स पर भी नज़र डाल लेना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की हम गिरावट यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो स्पाइसेस हो, स्पाइसेस में तो जीरा, धनिया, टर्मरिक सब जगह 5-6% की गिरावट, लोअर सर्किट के आसपास ही यहाँ पर कारोबार हो रहा है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब है, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। सर, आपके पास लंबा अनुभव है, क्या लग रहा है जिस तरह की गिरावट आज यहाँ पर अचानक से आई है, एक बड़ी तेजी के ट्रेंड में चल रहा था पूरा ही स्पाइसेस मार्केट, ग्वार की बात करें या पूरे स्पाइसेस के काउंटर जीरा, धनिया, हल्दी हो, लेकिन अब पूरी तरह से सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है, एक्सपोर्ट को लेकर भी चिंता यहां पर गहरा रही है। ऐसे में आप क्या सलाह देंगे ऐसे लोग जिनके पास पोजीशन फंसी हुई हो या कोई नई पोजीशन है, उन दोनों को आप क्या सलाह देंगे? देखिए विश्वमोहन जी, आज जो गिरावट आई है ये सेंटिमेंटल है, जो युद्ध का वातावरण बना है जिससे निफ्टी घटी है, क्रूड के भाव बढ़े हैं, सोना चांदी बढ़े हैं, तो सीधा असर कमोडिटी मार्केट सेंटिमेंट का है। कमोडिटी मार्केट में फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है, न इसकी खेती में चेंज है, न इसकी डिमांड में चेंज है, न सप्लाई में चेंज है। हाँ,
तेल तिलन के अंदर जो आयात है उसके अंदर बाधा दिख रही है, तो आज निश्चित रूप से आज मस्टर्ड सीड भी 300-400 रुपए बढ़ी है, सोयाबीन भी तेज है, इनके तेल भी तेज है, तो बाकी चीजें इस सेंटिमेंट से गिरी हुई है कि पता नहीं निर्यात में बाधा आएगी कि नहीं आएगी। और यही वजह है कि मसाला बाजार जिनकी खेती कम है, उपज कम है, वो भी आज 6-6% के आसपास गिरे हुए हैं, और ग्वार गम भी गिरा हुआ है। तो ग्वार और गम ये दोनों निर्यात वाली वस्तुएं हैं जो गिरी हुई है, उधर कैश तरह निर्यात वाली वस्तु है, पर जहां तक मसालों की बात है इसमें जो गिरावट आई है वो समझ से बाहर है, इसको सेंटिमेंटल ही कह सकते हैं। इसको 2 दिन वॉच करना चाहिए मार्केट को, युद्ध की स्थिति कैसी रहती है, क्या वहां शांति हो जाती है, अगर से शांति हो जाती है तो वापस उसी पैटर्न पे बाजार आ जाएगा विश्वमोहन जी, जिस पैटर्न पे अभी चल रहा था। सर आपने भी कहा खाने के तेल में तेजी दिख रही है, सोयाबीन 2012 के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर है इंटरनेशनल मार्केट में, अगर क्रूड पाम तेल की बात करें तो लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, तो जी, क्या जी। आपको लग रहा है कि तेल तिलहन में तेजी यहां से और आएगी, या मस्टर्ड के प्रोडक्शन को लेकर अच्छी खबर आ रही है तो उससे यहां पर फायदा होगा, यहां पर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है? जी देखिए, मस्टर्ड के प्रोडक्शन को लेकर तो बहुत अच्छी खबरें हैं, हमारे राजस्थान में ही 66% अधिक उपज का अनुमान है, पर विदेशी बाजारों में यदि तेल महंगा रहता है तो घरेलू जो सरसों है, आरम सीड है, वो कितनी पूर्ति करेगी ये तो देखने वाली बात है। तो एक बार मंदा आ सकता है आरम सीड में भी या तेल में भी थोड़ा मंदा आ सकता है, पर ऑन दी ऑल जिस तरह से विदेशी बाजार चल रहे हैं इसके अंदर वापस 20-25 रुपए किलो की तेल में तेजी आ जाएगी इस मौन। सर अब एक सवाल आपसे व्हीट और कॉर्न को लेकर भी होगा, व्हीट में जिस तरह की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में हो रही है, अब घरेलू बाजार में जो भाव को जो सपोर्ट मिल रहा है, क्या ये सही समय है जिनके पास स्टॉक है पड़े हुए किसानों के पास या स्टॉकिस्ट के पास, वो जाके अब बेच सकते हैं, क्या ये सही लेवल है या अभी इंतजार करें और ऊपर के भाव दिखेंगे आगे? जी ये युद्ध की स्थिति को देखने की जरूरत है। हाँ, इसमें 25% या 20% प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है एक बार के लिए, बाकी बाजार वॉच करना चाहिए। के सवाल भी ले लेते हैं, लगातार कई सारे दर्शक जिनके ट्रेड फंसे हुए हैं वो फोन कर रहे हैं। एक कॉलर राकेश सिंगल मेरठ से है, कॉटन में क्या मंदी लग रही है क्या? पुखराज जी क्या लग रहा है आपको? आज का जो बाजार है, आज का जो दिन है, जो यूक्रेन और रूसिया का जो रूस का जो तनाव है उसके देखते हुए आज कोई भी भविष्यवाणी करना किसी भी कमोडिटी के अंदर ये उचित नहीं है, चाहे वो ये आपका क्रूड ऑयल हो, चाहे एनर्जी हो, या गोल्ड हो, या और भी कोई दूसरा जो आइटम है, क्योंकि ये युद्ध की स्थिति पे निर्भर करेगा। इस पे न तो टेक्निकल पॉइंट बनते हैं और न फंडामेंटल पॉइंट बनते हैं, हालांकि टेक्निकल लोग हैं वो स्टॉप लॉस देते हैं, अपनी टेक्निकल बात कहते हैं, बाइंग सेल देते हैं, पर ये विषय ये आपातकालीन विषय है एक तरह से, तो इस आपातकाल के अंदर तो हमें युद्ध की स्थितियों को देखना चाहिए, उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए किसी भी चीज का। यानी जो मौजूदा स्थिति है इसको देखकर आप ट्रेडिंग रणनीति नहीं बनाए, आपात की स्थिति, चीजें और साफ होने दीजिए, क्या क्लैरिटी आती है, किस तरह की खबरें आती है, कहीं बाहर से इंटरवीन कुछ और होते हैं तो उसके बाद बाजार, अभी अनयूजुअल सा मूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, तो ट्रेड अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं हो तो ट्रेड नहीं करने की सलाह ज्यादातर एक्सपर्ट दे रहे हैं। चलिए एक कॉलर है योगेश है, गोल्ड 2 लॉट इन्होंने लिया था, अभी 1-2 दिन पहले की पोजीशन है इनकी, 50,450 रुपए पे शॉर्ट कर रखा था और चांदी 64,600 पे शॉर्ट कर रखा था। सचिन क्या सलाह देंगे इनको, शॉर्ट काफी नीचे का लेवल है, स्टॉप लॉस लगता है इन्होंने नहीं लगाया, अब अचानक से इतनी बड़ी तेजी आ गई, क्या करें अब ये? जी बिल्कुल, इनके शॉर्ट लेवल से काफी ज्यादा ऊपर के साइड में प्राइस ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें लगता है कि अभी ये तेजी जो है जिस तरीके की अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है, ये तेजी अभी और कंटिन्यू हो सकती है, तो इफ इन केस कोई भी डिप मिलता है अगर इनको 52,100-52,200 तक के आसपास में, तो एक बार गोल्ड से जो है वो एग्जिट कर ले अपनी शॉर्ट पोजिशन को। वहीं सिल्वर के अंदर भी अगर हम बात करें तो डाउन साइड में अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से दिखती है और प्राइस डाउन साइड में आते हैं 67,000 या 66,800 के आसपास में, तो पोजीशन से एग्जिट कर ले तो ज्यादा बेटर है। राजेंद्र जैन साहब है, इन्होंने भी काफी नीचे शॉर्ट कर रखा था, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते और 48,772 का ही शॉर्ट पोजिशन इनके पास है, अब रवि जी आप क्या सलाह देंगे इनको, क्या करना चाहिए?
बेसिकली हमने आगे भी बात की थी कि जो ट्रेडर्स है, मीन्स के आप अगर ट्रेडर हो तो सिर्फ ट्रेडर ही रहे, एंड ज्यादातर पोजिशन लास्ट मंडे भी बात हुई थी, अगले थर्सडे भी बात हुई थी कि पोजिशन ओवरनाइट कम से कम रखे, एंड ज्यादातर ट्राई ऐसा करे कि स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करे बेसिकली, क्योंकि सिचुएशन तभी इतना वॉर का कुछ न्यूज हमारे पास पहले से नहीं था, बट अभी सिचुएशन जो प्रिवेल करते हैं और ऑलवेज जो आप डॉलर इंडेक्स देखो या कमोडिटीज के प्राइसेस देखो उसमें कुछ भी सिचुएशन का जो इम्पैक्ट है ना वो एक्चुअल इम्पैक्ट से पहले आ जाता है, तो अभी डेफिनेटली इसका पोस्टमार्टम करके कोई ज्यादा हमें निकलेगा नहीं, बट मेरे हिसाब से अगर यहाँ से प्राइसेस में कुछ भी गिरावट आती है तो एक बार आपकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो काट ले, हालांकि आपने 48,000 के करीब सेल किया है तो थोड़ा टाइम दीजिए 51,000 का, अगर ये 51,500 पे आता है लेवल तो एक बार आप शॉर्ट से निकल जाए मुझे लग रहा है, और जो फंडामेंटल अभी मार्केट में है और अभी प्रिवेल कर रहे, कुछ भी नेगेटिव न्यूज या कुछ भी यहाँ से और कुछ एस्केलेशन प्राइसेस को 54-55 भी ले जा सकते हैं, तो अभी भी रिस्क अपर साइड बना हुआ है, तो कुछ भी गिरावट पे आप ये ट्राई करें कि पोजीशन से एग्जिट कर ले। चलिए एक दर्शक हैं, मोहम्मद अकरम साहब है, लखनऊ से है, गोल्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं, और दूसरा सवाल भी गोल्ड पर ही है, महेश जी हैं हैदराबाद से, दोनों गोल्ड का ही आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सुनील कटके जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड पे फिलहाल? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है गोल्ड का जो करंट फंडामेंटल है वो अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम को बरकरार रखेगा आने वाले समय में, एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन जो है अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा कूल ऑफ पीरियड नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, अभी भी तकरीबन 7-8 घंटे का मार्केट आज का बाकी है। मुझे लगता है 52,700 का जो अभी रेंज चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 52,300-54 तक का एक लेवल दिखा सकता है ड्यूरिंग द डे, वहां पे एक अच्छी बाइंग एंट्री बन सकती है, और स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली लगाना होगा 51,950 का, तो मेरे ख्याल से 200-300 रुपए का रिस्क रहेगा, बट ऑन द हायर साइड मुझे लगता है फिर से ये 53,300-53,400 का लेवल दिखा सकता है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल रहेगा और बुलिश ट्रेंड में रहें, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिसको रिस्क नहीं लेना है तो हमारे पास ऑप्शंस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो मेरे ख्याल से आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो मैक्सिमम रिस्क आपका प्रीमियम का ही रहेगा और अनलिमिटेड रिवॉर्ड जो है आप देख सकते हैं, तो वो भी एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट रहेगा अगर किसी को इन्वेस्ट करना है करंट वोलेटाइल मार्केट में। मैं गोल्ड फ्यूचर्स बाय करने के बजाय मैं बोलूंगा कि कॉल ऑप्शंस गोल्ड के या कॉल ऑप्शन सिल्वर के बाय करके चले। काफी वोलेटाइल, हर खबर पे यहाँ पे बाजार रिएक्ट करेगा और दोनों तरफ रिएक्ट कर सकता है, तो बेहतर है आप हेज करके जाए या फिर ऑप्शंस के जरिए जाए ताकि आप अपने नुकसान को कम कर सके। अगले कॉलर नरेश कुमार हैं, इनके पास 30 किलो चांदी 60,800 रुपए में है हाजिर में। सुनील जी क्या लग रहा है, चांदी किस तरफ जा सकती है, और जो ये युद्ध का स्तर है, युद्ध का जो सिनेरियो बन रहा है ग्लोबली, तो क्या लग रहा है ऐसे में कहां तक चांदी का स्तर आप देख सकते हैं आगे? जी विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि चांदी 70,000 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी जो है एक प्रेशियस मेटल की तरफ से भी देखा जाता है और बेस मेटल की तरफ से भी देखा जाता है, ज्यादातर इंडस्ट्रियल मेटल्स भी हम देख रहे हैं कि 8-10% उछाल में है, और गोल्ड भी तकरीबन 4.5% उछाल पे है, तो मुझे लगता है कि चांदी का ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा, बट जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत कूल ऑफ पीरियड मिलेगा तो थोड़ा डिप पे बाइक करके चलें। 67,000 के रेंज में आता है जो शॉर्ट पोजीशन अगर है तो वो एग्जिट करके ऑन द बाय साइड चल सकते हैं, अगर पोजीशन अभी खड़ी करने हैं तो मुझे लगता है कि 67,000 का लेवल एक अच्छा लेवल माना जाएगा। 66,200 का एक सपोर्ट है चार्ट्स पे, वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 70,000 का एक इमीडिएट टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए कुछ बेस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। एक दर्शक अभी सवाल भी भेज रहे हैं, कर्नाटक गुलबर्गा से भेज रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या एल्युमिनियम में नई पोजीशन बनानी चाहिए, रिकॉर्ड स्तरों के पास है भाव, 5% से ज्यादा की तेजी दिख रही है, 275 के ऊपर पहुंच गया है एमसीएक्स पर, रवि जी क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम पर? हाँ जी जरूर से, अभी प्राइसेस में उसमें रैली बढ़ा सकते हैं, उसका बेसिक रीजन है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हमने काफी बार डिस्कस किया कि उसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है एनर्जी कॉस्ट का होता है, 35% से ज्यादा कॉस्टिंग है वो एनर्जी कॉस्ट है, तो मेरे हिसाब से वहां पे जैसे एनर्जी बास्केट आप देखा कितना बड़ा है, एंड ये कहां मींस के वॉर का सिचुएशन जाएगा और कब एनर्जी प्राइसेस कूल डाउन हो गए वो अभी कहना काफी मुश्किल है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में रैली कंटिन्यू रह सकती है। मैंने खरीद के भी सलाह दी, कोई भी डिप मिलता है आप बाय करके चले 274 के स्टॉप लॉस के साथ,
अपर साइड मेरा ये मानना है कि इमीडिएटली 284 एंड 300 तक के लेवल पे शॉर्ट टर्म में देखा सकता है, क्योंकि ये जब क्राइसिस का सिचुएशन होता है और सप्लाई का रिलेटेड डेफिसिट होता है तो उसमें प्राइसिस का रिएक्शन थोड़ा ओवर होता है, तो कोई भी डिप मिले आप खरीद करके चले। मैंने जो रिकमेंडेशन दिए है वो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में दिए, तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आप बाय करके चल सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस रिस्क रिवॉर्ड वाइज एल्यूमिनियम के अभी यहाँ से और वैक्यूम है, थोड़ा और यहाँ से 10 से 12 पॉइंट की तेजी एल्यूमिनियम शॉर्ट टर्म में और 284 तक की तेजी इंट्राडे में दे सकता है। तो ये भी हुआ एल्यूमिनियम को लेकर आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की। एक सवाल पुखराज सर के लिए भेजा है एक दर्शक ने, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉटन में मौजूदा लेवल पे क्या करना चाहिए, सर क्या करें करंट लेवल पर? देखिए करंट लेवल पर मंदी तो है नहीं इसमें, इस पूरे सेक्टर में पूरे साल मंदी नहीं थी और आगे भी मंदी नहीं है, पर जैसा मैंने पहले कहा ये जो सिनेरियो चल रहा है इसमें सेंटिमेंट काम कर रहा है, तो इस सेंटिमेंट को 48 घंटे 24 घंटे वेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सेंटिमेंट कैसा रहता है, युद्ध की क्रिया कैसी रहती है और क्या रिजल्ट आते हैं, या आगे बढ़ता है या कमजोर होता है। विश्वमोहन जी उसी पर निर्भर करेगा सारा मैटर। ओके, तो ये भी हुए आपके लिए। चलिए एक दर्शक पूछ रहे हैं कि जिस तरह के मौजूदा हालात में है, ऐसे हालात में चांदी ऊपर की तरफ कहां तक जा सकती है? सचिन क्या आपको लग रहा है कि ऊपर की तरफ चांदी कहां तक जा सकती है? विश्वमोहन जी जिस तरीके के ब्रेकआउट्स हमने चार्ट्स पर देखे हैं और जो अनसर्टेनिटी एट प्रेजेंट अभी करंट सिनेरियो में देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अपर साइड जो है एक बार 70,000 तक के इमीडिएट लेवल्स हम सिल्वर में आते हुए देखेंगे। 70,000 के लेवल्स के आसपास फर्दर अगर सिल्वर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रैली जो है वो 73,000 और 74,000 तक के लिए भी देख सकते हैं। ओके ओके, तो ये भी है। चलिए तो आज इतने ही दर्शकों के सवाल ले पाएंगे। शुक्रिया पुखराज सर आपका, सुनील जी आपका, सचिन जी आपका और रवि जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और मौजूदा हालात पर भी चर्चा की और कम्युनिटी मार्केट के पूरे फंडामेंटल और तमाम पहलुओं पर भी चर्चा की। तो कम्युनिटी निवेश में फिलहाल इतना है, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद स्वदेश खबर। नमस्कार।